तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। तो अगर आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा जैसे ऐप को यूज़ करते हैं, सोशल ऐप्स को यूज़ करते हैं, ऐसे में होता क्या है कि आपके अब ये जितने भी सारे ऐप्स यूज़ करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो गाइज़ इनको बनाते समय आप अपना ईमेल आईडी इन पर रजिस्टर कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है गाइज़, ये आपके ईमेल आईडी पे हमेशा डेली के 10-15 मैसेज भेजते रहते हैं। जैसे कि फेसबुक का हो गया गाइज, तो फेसबुक में होता है कि आपके फ़ोटो पे किसी ने कमेंट करा या फिर किसी के फ़ोटो ने किसी पे कमेंट करा और आप उसमें टैग्ड इन हो, तो आपको नोटिफिकेशन आती है, मतलब कि मेल आता है फेसबुक की तरफ से आपके जीमेल आईडी पे, और इससे आपका मेल काफ़ी भर जाता है। कभी कभी आप फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग कर लेते हो और वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर होती है, तो फ्लिपकार्ट के पास जब भी कोई कपड़े का ऑफ़र आता है, शूज़ का ऑफ़र आता है, तो आपको ईमेल भेजता है, और ऐसी रोज़ की रोज़ ईमेल कम से कम 10-15 ईमेल आती हैं, कभी कभी तो बैंकों के ईमेल आते हैं। तो गाइस ऐसे में आपके सोशल मेल बॉक्स, सोशल मेल बॉक्स या फिर मेल बॉक्स है जो काफ़ी भर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, और ऐसा रिपोर्ट्स में भी आया था गाइज़, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि आपके जो मेल्स होते हैं उनको रखने के लिए स्टोरेज यूज़ होता है, जिनमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और कार्बन को यूज जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। तो गाइज़ आपके अगर मेल पे जितने भी सारी की सारी स्पैम वाली ईमेल्स हैं या फिर जितने भी यूजलेस मेल है, अगर आप उनको डिलीट कर दें तो आपकी मेल काफ़ी खाली हो जाएगी और आपका स्टोरेज भी बच जाएगा। गाइज वैसे तो जीमेल पे आपको 15 GB की मिलती है स्टोरेज, तो जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कैसे खाली करते हैं गाइज, चलिए वीडियो की तरफ। तो गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना मेल बॉक्स जीमेल खोलना है। जीमेल खोलने के बाद आपको जॉन साहब को मेल आईडी सेलेक्ट करनी है, आप वो मेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे मेल बॉक्स में अपने देखेंगे, काफ़ी सारे आपको मेल्स दिख जाएंगे। तो गाइज आपको सिंपली कोई, जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट का ये ओपन कर ले रहा हूँ गाइज, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का या फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जो भी आएगा गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है और आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मेरे बगल में शो हो रहा है कि आपको ये मैसेज आई है, ईमेल आई है, लेकिन जो आपके कोई काम की नहीं है। तो आपको करना क्या है गाइज, सिंपली आपको नीचे जाना है, जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हेयर या अनसब्सक्राइब का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप किस ऐप से इस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं। सिंपली आप वहाँ से गूगल क्रोम या फिर कोई भी वेबसाइट मतलब ब्राउज़र सेलेक्ट कर लें, वैसे तो आपको क्रोम ही सेलेक्ट करना चाहिए। आप क्रोम सेलेक्ट कर जैसे ही ओपन करेंगे फिर ये अनसब्सक्राइब हो जाएगी, और आपने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया तो आपके पास ये मेल नहीं आएंगी और आपका स्टोरेज काफ़ी खाली हो जाएगा। ऐसे ही करके आप सारे ही पार्टिकुलर जो कंपनीज हैं उनके मेल्स को ऑफ कर सकते हैं, और बाकी जो आपको मेल्स पहले से ही आ चुके हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी सारी स्टोरेज खाली हो जाएगी, साथ ही साथ आपके मेल बॉक्स की स्टोरेज भी खाली हो जाएगी, और उसके साथ ही आप इन्वायरमेंट पे भी आप अपना काफ़ी योगदान दोगे, जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट काफ़ी हील हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, अगर आप उसको दबा देते हो तो आप मेरे भी इस जर्नी में योगदान दे सकते हो। तो गाइज वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।